यार जबरदस्त खबर लेके आ गया हूँ, एकदम मिस मत करना वीडियो। जी हाँ मेरे भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश एपिसोड में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर शंकर ओझा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया खबर के साथ, एक नया वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा कि चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि भोजपुरी को जोड़ने की बात करता है आपका भाई, कभी तोड़ने की बात नहीं करता है। तो आज की खबर बहुत ही तगड़ी है दोनों के लिए, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, सुपरस्टार पवन सिंह जी के लिए। जी हाँ, शायद बहुत फैंस को पता भी होगी लेकिन बहुत सारे फैंस को पता नहीं होगी। तो चलो यार, एक एक करके शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगा सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जी का वीडियो सामने आया, यशी फिल्म्स चैनल्स पर डाला गया है। सबसे पहले तो मैं यशी फिल्म्स के सारे टीम मेंबर्स और भोजपुरी के भीष्म पितामह हमारे अभय भैया को तहे दिल से शुक्रिया। सर आप हो तो आज ये हो रहा है, आप हो तो आज भोजपुरी लंदन में दहाड़ रहा है। बस हमारी भी दुआ आपको लग जाए सर, हमारी भी उम्र आपको लग जाए, ऐसे ही आप दहाड़ते रहो, आपका सारा भोजपुरी परिवार आपके साथ है। आप लोग एक बार जरूर कमेंट कर देना कि अभय भैया के साथ कौन कौन है, समस्त भोजपुरी परिवार को रहना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव जी का दो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई और हार्डली एक फिल्म की शूटिंग बाकी है, और आप देखे भी होंगे वो वीडियो जिसमें खेसारी लाल यादव जी ने साफ साफ कहा है, अपने फिल्म के बारे में बताया है। मधु शर्मा जी का तारीफ कर रहे थे और मधु शर्मा जी खेसारी लाल यादव जी का तारीफ कर रहे थे, जो कि भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा साइन है कि एक दूसरे को स्टार का तारीफ करना कितना अच्छा लगता है ना। देखिए, खेसारी लाल जी बोल रहे थे कि मधु शर्मा इतनी अच्छी नायिका है, इतनी बढ़िया रोल करी है, वहीं मधु शर्मा जी खेसारी लाल जी के बारे में बोल रही थी। ये होता है क्वालिटी, ये होता है भोजपुरी को आगे बढ़ाना। उम्मीद मेरे को पक्का है कि ये लंदन के फिल्म के बाद ना भाई भोजपुरी पूरी बदल जाएगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सारे स्टार, जहाँ पवन जी ने मेहनत किया है, खेसारी लाल जी ने मेहनत किया है, उनके को एक्ट्रेस जो भी मधु शर्मा जी, काजल राघवानी जी, आपसा जी, हर्षिका पुंछा जी, एक से बढ़ के एक मतलब आपको हीरोइंस देखने को मिलेंगी, मतलब एकदम बवंडर होने वाला है मेरे भाई पवन सिंह जी के फैंस, खेसारी लाल जी के फैंस के लिए। हालांकि दो फिल्म का शूटिंग उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तीसरे फिल्म की शूटिंग आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, मतलब आज से ही चालू हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं फिल्म के नाम का, तो एक फोटो भी वायरल हुआ था जिसका नाम है डेट भेंट। एक फिल्म का नाम शायद परदेश है और दूसरी फिल्म का नाम डेट भेंट है, जिसकी फोटो इंटरनेट पे सनसनी मचाई हुई है। मैंने जो दो नाम बताया वो खेसारी लाल जी के फिल्म्स का है। उसके बाद अगर हम बात करें पवन सिंह जी का, तो पवन सिंह जी का भी एक तस्वीर शेयर हुआ है और जिसमें पूरा टीम मेंबर्स था, जिसमें पवन जी काले ड्रेस में नजर आ रहे हैं, मतलब लग रहे हैं एकदम, बोलते हैं ना कि भोजपुरी के पावर स्टार, और बहुत अच्छा लग रहा था पूरा ग्रुप के साथ तस्वीर, जिसमें हर्षिका पुंछा जी थी और ये तस्वीर निशांत भैया शेयर किए थे। और निशांत भैया बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, जो कि हमेशा ही भोजपुरी को जोड़ने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका मतलब थिंकिंग मुझे इतना अच्छा लगता है ना, कि सबको ले कर चलना, मतलब एक भोजपुरी के सबसे प्यारे इंसान, सबसे क्यूट इंसान देखा जाए तो वो, कभी भी किसी से ऊँचे आवाज़ में बात नहीं करना, सबको भैया भैया कहना, ये होता है क्वालिटीज़। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर आपसे, और हमेशा कोशिश यही करूँगा कि आपका ज्ञान, आपका जो स्टाइल है, कॉपी करूँ अपने जीवन में भी, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ। हालांकि सभी अपने अपने जगह पे काफ़ी आगे हैं, तो पवन सिंह जी को देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और पवन सिंह जी का फिल्म का तो नाम अभी तक कुछ नहीं वायरल हुआ, जहाँ पे जब फोटो पोस्ट किया गया था वहाँ पे ये भी लिखा गया था अनटाइटल्ड, मतलब अभी नाम चाहते नहीं है, मतलब कि आप लोग जानो। तो या हो सकता है उसको थोड़ा सीक्रेट रखा गया है, हो सकता है कुछ अच्छा नाम हो या कोई खास वजह होगी, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिल्म का नाम आपको एक बहुत पहले वायरल भी हुआ था, लंदन ड्रीम्स, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि ये नाम नहीं था। लेकिन जो भी हो, ये तो नाम कुछ दिन में पता चल ही जाएगा पवन भैया जब लंदन से इंडिया आएंगे, क्योंकि बहुत चीज़ ऐसी है जो पवन भैया अपने टीम्स को बताएंगे, टीम धीरे धीरे पोस्ट करेगी, तो बहुत चीज़ ऐसे है कि हम लोग जान पाएंगे कि क्या कैसे क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, तो बहुत कुछ आपको ऐसी जानकारी मिलेगी। लेकिन दो दो फिल्म कंप्लीट हो गई है और तीसरी फिल्म की शूटिंग भी चालू हो गई है। अब मतलब समझ लीजिए कि अब जो जर्नी है लंदन की, ज़्यादा दिन की नहीं है, बहुत जल्दी आप दोनों सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी को इंडिया में देखेंगे। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि 16 तारीख को बताया जा रहा है कि पवन सिंह जी आएंगे और खेसारी लाल जी 18 तारीख को, लेकिन एक जगह यही बताया गया है कि पवन सिंह जी 8 तारीख को आएंगे। तो अभी मतलब डेट को लेकर कंफ्यूजन है, क्लियर अभी न्यूज़ कोई भी नहीं आई
है, लेकिन आप समझ के चलिए कि पवन जी और खेसारी लाल जी बहुत जल्दी इंडिया आएंगे, और इंडिया आने के बाद फिर से उनका आगे जो भी काम है इंडिया में, जो भी फिल्म का काम है, गाने का काम है, वो लोग आगे करेंगे। तो ये फिलहाल जानकारी आई थी, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट आपका भाई यही करेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही खबर लेके आता हूँ, और हमेशा ही कोशिश यही करूँगा कि भोजपुरी को आगे बढ़ाने में जो भी मेरे से पहल हो मैं करूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं एक नए वीडियो में।